हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, आज मैं एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आप सभी के सामने लेके आया हूं, पोके मनी। आप यहां पे देख सकते हैं, वेबसाइट है pokemoney.info। दोस्तों ये जो है ना कि एक NFT प्लेटफॉर्म है। आप यहां पे ज़बरदस्त जितने भी आप यहां पे NFT वगैरह देख सकते हैं, अगर उनको आप बाई करते हैं तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, मैं आज आपको सारा क्लियर मैं करने वाला हूँ। देखिए यहाँ से जो है कि होम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, गेम का ऑप्शन आपको मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन मिल जाएगा, यूजर सेंटर है। यूजर सेंटर में अगर आप जाते हैं यहाँ पे तो आपका एक वैलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपका BNB कितना है, PUSD कितना है। देखेंगे तो यहाँ पे मेरा 40 BUSD पड़ा हुआ है, NKG टोकन जो आपको मिलेगा। जैसे आप माइनिंग वगैरह करेंगे तो आपका यहाँ पे शो होगा। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप इसको जाके इसको जो है कि पैनकेक स्वैप पे कभी भी सेल कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे टोकन मिलेगा माइनिंग के थ्रू। समझ रहे हैं, जो भी आपको NFT मिल रही है उसको आप प्रॉफिट में आने वाले टाइम में उसको आप सेल कर सकते हैं। तो इस पे आपको कैसे वर्क करना है वो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मेटामास्क वैलेट डाउनलोड करना है, ठीक है। मेटामास्क अगर आप PC यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। क्रोम वेब स्टोर अगर आप सर्च कर लेते हैं, जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर ये वाली साइट मिल जाएगी, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है मेटामास्क, ठीक है। मेटामास्क आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। आने के बाद देखिए ये सबसे ऊपर है, मैंने यहाँ पे जो है कि ऐड करके पहले से रखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड जैसे ही आप करते हैं, करने के बाद आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड, फिर आपको यहाँ पे देखिए मेटामास्क वॉलेट चाहिए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, क्रोम आपके पास होना चाहिए या फिर iOS है, एंड्रॉइड है, आपके पास इंस्टॉल वॉलेट होना चाहिए, मतलब मेटामास्क होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल स्टेप अगर आप चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे मेटामास्क कैसे इंस्टॉल करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मेटामास्क हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो जाएगा आपका, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका इथेरियम मेन नेट दिखेगा, आपका यहाँ पे बेनांस मेन नेट नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे नेटवर्क नेम डालना है। नेटवर्क नेम आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं, यहाँ पे ये दिख जाएगा नेटवर्क नेम, बेनांस स्मार्ट चेन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा न्यू RPC URL, तो आपको यहाँ पे ये वाला डाल देना है, एकदम सेम टू सेम आप यही डाल दीजिए। चेन ID में आपको 56 डालना है। करंट करेंसी सिंबल में आप BNB डाल दीजिएगा, और आप यहाँ पे ब्लॉक एक्सप्लोरर में यहाँ पे bscscan.com ये आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देखिए सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे तो आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे मेटामास्क पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जो है यहाँ पे बिनांस मेन नेट है, जैसे मेरा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे बिनांस स्मार्ट चेन के नाम से आपका यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप बिनांस मेन नेट कर दीजिए, चाहे स्मार्ट चेन कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपका ये चीज हो गया तो आपको पोके मनी जो वेबसाइट है pokemoney.info इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस पे मेटामास्क पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे बिनांस वाला सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इथेरियम मेन नेट है ये वाला बिनांस मेन नेट या फिर बिनांस स्मार्ट चेन आपका यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे कनेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मेरा वैलेट है, ये मेरा वैलेट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना भैया, यहाँ पे 3 क्वाइन ऐड करने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ एसेट का ऑप्शन पे अगर आप देखेंगे तो BNB का मिल जाएगा, 0 BNB दिखा रहा है, BUSD आपको दिखा रहा है, 0 USDT दिखा रहा है, NKG टोकन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आप मान लीजिए ये चीज़ नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट टोकन पे जाना है। इंपोर्ट टोकन पे जाना है तो यहाँ पे टोकन जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे देखिए टोकन हैज ऑलरेडी एडेड दिखा रहा है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद एड कस्टम टोकन आप कर देंगे तो जो आपका ये टोकन है, टोकन आपका यहाँ पे होम पेज पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये तीनों स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको बारी बारी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट करा लेना। जैसे आपका कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एड्रेस दिखने लगेगा कि मेरा मेटामास्क का वॉलेट है, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पे आ जाना है। अभी देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रीसेल पर आप क्लिक करते हैं या फिर गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं या फिर प्ले के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि यहाँ पे सुपरियर अकाउंट मांगेगा, मतलब एक तरह से रेफरल कोड होता है जिसके माध्यम से, या फिर आप अगर देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके वो कोड होगा, ये वॉलेट का एड्रेस होगा, तो आपको वहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे कन्फर्म कर देंगे तो जो अकाउंट है वो बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा परमिशन वगैरह मांगेगा, थोड़ा सा गैस फीस लगेगा, इनसफिशियंट फंड यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे होना चाहिए, मतलब BNB होना चाहिए हमारे वॉलेट में, ठीक है।
हमारे वैलेट में कुछ BNB होना चाहिए, तो अभी मैं क्या करता हूँ इसमें मैं BNB डिपॉजिट कर लेता हूँ। डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा तो ये हमारा जो है बाइंडिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, समझ रहे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिपॉजिट कर लेता हूँ पहले। ओके, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कन्फर्म पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। कन्फर्म मैंने क्लिक कर दिया तो आपके वैलेट में BNB होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा BNB मतलब गैस फीस मांगेगा, तो आपके वैलेट में BNB थोड़ा सा होना चाहिए। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कन्फर्म, ठीक है। यहाँ पे फी कटेगा तो यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे तो ये जो हमारा बाइंडिंग था वो बाइंडिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा बाइंडिंग यहाँ पे हो चुका है, जो भी आपका रेफरेंस है। उसके बाद देखें, मैं आपको यहाँ पे मेटामास्क में अपने दिखा दे रहा हूँ कि हमारे मेटामास्क में एसेट के ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा पास 40 BUSD पड़ा हुआ है मेरे पास, और यहाँ पे BNB में थोड़ा सा पड़ा हुआ है। BNB भी होना चाहिए, BUSD भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप NFT बाई करेंगे, मैं यहाँ पे देखिए NFT अगर आप बाई करेंगे तो BUSD में ही आपका पेमेंट होना चाहिए, समझ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अगर मैं दो कर दूंगा तो यहाँ पे 40 BUSD आपके वैलेट होना चाहिए, तो आपका कहने मतलब 2 NFT आपका बाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी 1 ही रहने देता हूँ, तो मेरा जो है 20 USD ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 28 USD प्राइस है, 28 BUSD, तो यहाँ पे सेव 29% मेरा अभी हो चुका है, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अप्रूव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अप्रूव पे क्लिक कर दिया तो मेरा यहाँ पे 20 BUSD कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, ये मैं यहाँ से कन्फर्म कर दूंगा, कन्फर्म जैसे मैंने कर दिया तो मेरा जो NFT था वो बाई हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ एक बार फिर से, कन्फर्म मैं कर देता हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस पे मैं क्लिक करता हूँ। एक्सपीरियंस पे क्लिक करने के बाद मैं एक बार देख लेता हूँ क्या यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कन्फर्म मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरी NFT यहाँ पे तैयार मतलब मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं Pokemoney पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे एक्सपीरियंस ये आ चुका है, अनलॉक हो गया Level 1, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा हमारे इसी अकाउंट पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेमेंट पे एक बार मैं फिर से क्लिक करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे प्रीसेल पे एक बार चला जाता हूँ। प्रीसेल पे जाने के बाद देखते हैं शायद यहाँ से वो ऑप्शन हमें मिल जाए, लेकिन ये सेम वही ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फेलर दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाई फेलर क्यों दिखा रहा है। एक बार मैं होम पे चला जाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रीसेल पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट में क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फेलर दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से किया, मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फेलर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई फेल क्यों हो रहा है। तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, शायद हो जाए, हो सकता है अभी यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू वगैरह चल रहा हो तो इस वजह से मेरा यहाँ पे बाई नहीं हो रहा है। तो अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ आपको आगे क्या करना है, ठीक है। यहाँ मार्केट का ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी देखिए मोर फीचर आर अंडर डेवलपमेंट, अभी कमिंग सून है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं। यूजर सेंटर में अगर आप जाते हैं यहाँ पे तो आपके यहाँ पे देखिए BNB आपको यहाँ पे दिखेगा। डिपॉजिट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 110 KG टोकन डिपॉजिट हो चुका है। PMY टोकन यहाँ पे 100 डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं गेम के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखिए रेगुलर पे आपको दिखेगा, एक्सपीरियंस पे ये देखिए आपका यहाँ पे ये वाला आ चुका है मेरा, और यहाँ पे रेगुलर जो मेरा अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहा था, अगर वो हो जाता तो यहाँ पे आपका ये दिख जाता कि जो मेरा 20 BUSD जो हमारा कटता तो यहाँ पे आपका ये दिख जाता, ठीक है। ओके, अब आपको माइनिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे गेम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए NKG माइनिंग दिया हुआ है, NKG माइनिंग पे आपको यहाँ पे चले जाना है। जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब पे अभी क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आपका माइनिंग अभी चालू हो जाएगा तो आपको NKG टोकन आपको यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा, जिसको आप जो जाके पैनकेक शॉप पे सेल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब पे क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे चूज अ हीरो आपको दिया है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अगर मेरा नेको जो भी था वो बाई नहीं हुआ था, अगर वो बाई हो जाता तो यहाँ पे डाटा आ जाता। आने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे हर 15 डेज पे मैं यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ, या फिर उसको जाके पैनकेक शॉप पे मैं सेल कर सकता हूँ। अगर अदरवाइज पहले यहाँ पे नहीं आ रहा है मेरा आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं जो है कि इसको मैं पार्ट टाइम जॉब पे मैं लगा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी ये मेरा जो है नहीं लग पा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे फाइटिंग टाइप स्टोरी वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा, फाइटिंग इंस्पेक्टर रॉक्स वगैरह आपके यहाँ पे दिख जाएंगे। फीचर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है नीचे आएंगे तो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किस हिसाब से टोकन जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 5% इन्वेस्टर डेव टीम, यहाँ पे आप कम्युनिटी एक्टिविटी PVE 20% PVE के लिए, लिक्विडिटी माइनिंग के लिए जो है आपका 30% 20% PVP के लिए है। रोड मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, Q1 मतलब 2021 ये गेम चल रहा है, 2021-22 आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्टनर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बैनांस स्मार्ट चेन है, पैनकेक स्वैप है, क्वाइन जीको है, उसके बाद क्वाइन मार्केट कैप है। सिक्योरिटी ऑडिट में अगर आप देखेंगे तो सोलिटी फाइनेंस है, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको मान लीजिए कि सेल करना है तो आप इसको जो है कि पैनकेक स्वैप पे जाके सेल कर सकते हैं। कैसे करना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, pancakeswap.finance ये आपके पास होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए वैलेट आपका जो है कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा वैलेट यहाँ पे कनेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, फिर से कनेक्ट करा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे वैलेट जो है कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है,
ट्रेड पे चले जाना है, ठीक है। ट्रेड पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे स्वैप पे जाना है, तो आप इसको जो है कि स्वैप कर सकते हैं बीएनबी के पेयर में। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए कौन सा कॉइन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एनकेजी टोकन है, ठीक है। तो एनकेजी आपको यहाँ पे बीएनबी की जगह कर लेना है, एनकेजी यहाँ पे कर लीजिए। नहीं मिल रहा तो आप जो है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस इसको पेस्ट कर देंगे तो एनकेजी टोकन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट, आई अंडरस्टैंड इंपोर्ट, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गया, उसके बाद इसके बदले आप कौन सा लेना चाहते हैं, केक है, केक की जगह आप यहाँ पे बीएनबी कर सकते हैं, बीयूएसडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बीयूएसडी कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जितना भी अमाउंट आपको यहाँ पे डालना होगा, एक दो जितना भी, ठीक है, उसको डाल के यहाँ पे इसको स्वाइप कर लेंगे तो आपका ये जो है सेल हो जाएगा। कभी भी आप इसको जो है सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको पू कॉइन पे, अगर इसका डाटा अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पू कॉइन पे चले आना है। पू कॉइन पे आने के बाद देखिए यहाँ पे सारा सप्लाई और यहाँ पे पूरा मार्केट वगैरह आपको दिख जाएगा कि आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह कितना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कि आपका कितना डॉलर पड़ा हुआ है, इसका मार्केट कैपिटल आपका यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितने होल्डिंग वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इतना बीयूएसडी पड़ा हुआ है, 1,03,126 बीयूएसडी के पेयर में आपको यहाँ पे एनकेजी जो टोकन मिल जाएगा। ये चार्ट वगैरह आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मान लीजिए नहीं भी आता है तो आपको यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका ये ओपन हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे ये सारी डिटेल आप भी देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए पोके मनी का जो है कि सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए तो आपका यहाँ पे व्हाइट पेपर वगैरह आपको दिख जाएगा। गेट स्टार्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कैसे स्टार्ट करना है ये चीज़ें आप दिख जाएंगी। फ्री टू अर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री टू अर्न ये चीज़ें आप यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टीम पे क्लिक करेंगे तो इनके टीम कौन कौन है, यहाँ पे इमेज वगैरह नहीं शो हो पा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। गेट योर एनको टोकन, तो यहाँ पे सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रोड मैप आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, रोड मैप वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।